चलिए स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो राइट हैंड साइड में ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि इसके अंदर अपन को क्या करना है कि जीरोज निकालने हैं, पॉलीनोमियल की इक्वेशन की जीरोज निकालने हैं, और क्या करना है उस रिलेशनशिप को, जीरोज के और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए देखिए किस तरह करते हैं। अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसकी जीरोज निकालने। अब जीरोज किस मेथड से निकलेंगे, जीरोज निकलेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए, जब वेरिएबल क्या, अगर कोई नंबर नहीं होगा तो उसको अपन वन मान लेते हैं। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, कि एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एट। अब एट के अपन को इस तरह से टुकड़े करने हैं कि उसको प्लस माइनस करने पे कितना बन जाए, माइनस टू बन जाए। ठीक है, तो अपन एट के फैक्टर करते हैं तो देखिए कि क्या बनता है, जैसे फोर टू जा एट। ठीक है, अब इसे प्लस माइनस करने पे मुझे क्या बनाना, माइनस टू। तो मैं क्या करता हूँ, फोर को ले लेता हूँ माइनस का और इसको ले लेता हूँ प्लस का। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस टू बन जाएगा। तो ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x माइनस एट ये मैंने लिख दिया। अब ये दो बन गए ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया, x माइनस फोर। अब यहां से भी अपन को इस तरह से नंबर कॉमन लेना है कि दोनों के ब्रैकेट सेम बने। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, इन दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ प्लस टू। तो अंदर कितना बच जाएगा, x, और इसमें से टू टाइम गया तो कितना बच गया, फोर। देखिए अंदर दोनों का ब्रैकेट सेम बन गया, तो अब क्या ब्रैकेट बन गए, एक बन गया x माइनस फोर और एक बन गया x प्लस टू। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जीरो के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आ गई फोर, और जब इसको जीरो के बराबर रखा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। देखिए अब ये आ गए हैं दो जीरोज अपने पास। अब अपन निकालते हैं सम। सम के अंदर देखिए क्या करते हैं, जैसे अपन ने इसका सम निकाला, सम अगर अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम जोड़ने पे क्या आता है, फोर प्लस माइनस टू क्या होगा, माइनस फोर माइनस टू कितना होगा, प्लस का टू। ठीक है, ये तो आया सम। अब इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है जो अपन को बता रखा है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए इसके अंदर से माइनस बी क्या है, जो ये बेसिक इक्वेशन है ना, ये बेसिक इक्वेशन किस फॉर्मेट के अंदर होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पुट करते हैं। तो अपन दोनों ने, अपन ने इसको जोड़ा तो आंसर कितना आया था, प्लस टू, और माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, प्लस का टू, और ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो ये कितना आ गया, प्लस टू इक्वल्स टू प्लस टू। तो ये सम का तो हो गया वेरीफाइड। अब अपन वेरीफाइड करते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो फोर इंटू माइनस टू कितना बन गया, माइनस का एट। अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है जीरोज का। तो देखिए सी अपॉन ए कितना होता है, सी क्या है, इसके अंदर से माइनस का, इधर वैल्यू लिख देता हूँ, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट, और ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो ये कितना आ गया, माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एट। तो ये अपन ने कर दिया है वेरीफाइड। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। ठीक है, वापस के अंदर वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कि फोर इंटू वन कितना बन जाएगा, फोर। अब अपन को फोर के टुकड़े करने हैं जिससे कि अपने पास क्या आ जाए, फोर ही आ जाए। तो मैं कर देता हूँ फोर के टुकड़े, टू टू जा फोर। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस का फोर बन जाएगा। तो ठीक है, अपन लिख देते हैं फोर एस स्क्वायर
माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन। अब ये ब्रैकेट ये बन गया, एक ब्रैकेट ये बन गया, इसमें से कॉमन ले लिया मैंने 2s। तो देखिए अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्या बचेगा, तो देखिए क्या करा करिए, जो आपने कॉमन लिया उसको नीचे रख दिया करिए ऐसे। तो इधर देखिए 2s से 2s कट गया, तो यहाँ तो पूरा बच गया 1। इधर देखिए 1s से तो 1s कट गया, 2 से कितना कट गया 2 टाइम, तो ऊपर कितना बच गया 2s। समझ गए, अगर कंफर्म करना है वापस तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4s स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या बनेगा माइनस का 2s। अब इधर देखिए, इधर एग्जैक्ट सेम ब्रैकेट है, बस साइन इंटरचेंज है। तो इधर अपन क्या ले लेंगे माइनस वन, तो अब जो माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है ये बन जाएगा माइनस का। ठीक है, तो दो ब्रैकेट बन गए 2s माइनस वन और ये 2s माइनस वन। तो इसको जब मैंने जीरो के बराबर रखा तो s की वैल्यू आ गई 1/2। सेम इसके साथ हुआ है, इसकी भी वैल्यू आएगी 1/2। तो ये s की दो वैल्यू आ गई। अब पहले निकालेंगे अपन सम। तो देखिए 1/2 और 1/2 जब आधा आधा में जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 1। ठीक है, और फॉर्मूला लगाते हैं अगर अपन इसका, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी क्या है इसके अंदर से, ये रहा माइनस ऑलरेडी है और माइनस बी है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा अपना प्लस का 4, और ए कितना है नीचे 1, तो ये बन गया 4/4। और इन दोनों को जोड़ने में कितना बना था 1, 4 से 4 कट गया, तो 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखते हैं। देखिए 1/2 इंटू 1/2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना बन गया 4। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब इसमें सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो 1/4 जो अपना आंसर आया था, और सी की वैल्यू रखी 1 और ए की वैल्यू रखी 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, तो ये रिलेशनशिप भी हो गया हेंस वेरी फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6x² - 3 - 7x। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट सॉल्विंग करना। सबसे पहले हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब गिरते हुए टर्म के अंदर होनी चाहिए। तो जैसे इसको पहले अपन बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा 6x² - 7x - 3। अब ये इक्वेशन होगी सॉल्व, उस ऊपर वाली को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, तो इसके अपन फैक्टर करते हैं थर्ड वाले के। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 से, ध्यान रखना माइनस 3 से। तो कितना बन गया अपना फैक्टर, आ गया 18। चलिए देखिए माइनस 18 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 9 2 18। अब अपन को 18 किसका बनाना है, सॉरी अपन को क्या बनाना है माइनस का 7। तो माइनस का 7 कब बनेगा, जब बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर प्लस का होगा, तब इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो ठीक है, अपन फैक्टर लिखते हैं, कितना बना 6x² - 9x + 2x - 3। एक ब्रैकेट बन गया ये और एक ब्रैकेट बन गया ये। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से देखिए मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच गया 2x, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6x² बन रहा है, और इधर कितना बच गया 3x पूरा कॉमन आ गया, तो कितना बच गया 3 3 3 9x बन गया। एज इट इज ब्रैकेट सेम है, कुछ भी कॉमन नहीं लेना, तो प्लस 1 ले लो, ब्रैकेट में अपनों को चेंज करना ही नहीं है। तो अब दो ब्रैकेट बन गए 3x + 1 और 2x - 3। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। ये दो अपने पास जीरो आ गए हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, अब अपन निकालते हैं रिलेशनशिप। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सम का करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया -1/3 और +3/2। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ना है, सेम नहीं है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, एलसीएम आ गया इसका 3 2 6, इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो
ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया माइनस टू प्लस, इसको सिक्स बनाना है तो थ्री से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी थ्री से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया नाइन। माइनस टू और प्लस नाइन हो गए प्लस का सेवन अपॉन सिक्स, ये तो हो गया सम। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका रिलेशनशिप वेरीफाइड कैसे करना है। अब देखिए सम के लिए अपना क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये तो कितनी वैल्यू आई प्लस सेवन अपॉन सिक्स, माइनस बी, माइनस बी कितना है इसके अंदर माइनस ए थ्री का, ये सॉरी माइनस माइनस का क्या है इसके अंदर सेवन है ना, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई का क्या बन गया प्लस, तो ये बन गया माइनस के बाद में माइनस सेवन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है सिक्स है। अब इसको जब अपन ने देखा तो अपना सम आ रहा है एग्जैक्ट सेम। अब अपन करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखिए माइनस वन अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन टू, प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई, तो थ्री बन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स, काटना चाहो तो वन अपॉन टू आ गया है। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई अपनी वन अपॉन टू और सी की वैल्यू है इसके अंदर से माइनस थ्री, माइनस थ्री इधर इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा था यहां माइनस था, और ए की वैल्यू है सिक्स, तो माइनस थ्री अपॉन सिक्स वन जा टू जा, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, ये रिलेशनशिप भी हो गया वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होता है अधिकतर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 4u² + 8u। अब इसके अंदर जो एक सिंगल टर्म है जिसके अंदर u नहीं आएगा वो अपन को देखने रखी, ओनली दो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये जीरो हो गया, इसको भूल जाओ इस टर्म को। अब अपन को डायरेक्ट ये सॉल्व करनी है, तो इसके दो फैक्टर बनाने, इसके दो फैक्टर बनाने हैं तो इसके दो फैक्टर बना लेते हैं, तो डायरेक्ट इसके अंदर से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन गया 4u कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर कितना बच गया u प्लस टू है ना, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, बोले 4u को u से मल्टीप्लाई करा तो 4u² 4u को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8u। अब ये ऑलरेडी दो ब्रैकेट बन गए। ठीक है, 4u को जब मैंने 0 के इक्वल पुट करा तो u की वैल्यू आ गई 0, एक तो आ गया अपने पास ये 0, एक है u प्लस टू इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू कितना आ गया ये इधर गया तो माइनस का 2। ठीक है, ये दो 0 निकल गए, बड़ा ही आसान सा इजी क्वेश्चन एकदम निकल गया फटाफट 0 से। अब देखिए अपन करते हैं सम, अब सम के अंदर क्या है 0 और माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अपन को क्या कहता है कि माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस टू और माइनस बी, अब इसके अंदर से माइनस बी कितना है 8 है अपना प्लस का, तो ये हो गया माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये रखा नीचे मैंने 4 वन जा 4 टू जा, तो ये आ गया माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट की, अब देखिए प्रोडक्ट के अंदर क्या 0 को मैंने मल्टीप्लाई करा माइनस टू से, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज 0 ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो अपने पास फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए। अब देखिए इसके अंदर सी की वैल्यू कितनी 0, तो 0 अपॉन 4 क्या आ गया ऑलवेज 0, तो ये हो गया दोनों इक्वल प्रूव हो गया, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बड़ा ही आसान तो क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, t² - 15। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो सिंगल t की वैल्यू है वो नहीं दे रखी, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है प्लस 0t - 15,
कुछ ऐसा है ना, समझ गए? तो ये जिसके आगे जीरो है ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको अपन वैसे कुछ मानते नहीं। अब भी अपन इसी को लेके चलते हैं, टी स्क्वायर माइनस 50, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर से अंडर रूट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 50, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये किस फॉर्मेट के अंदर आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बन गया, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस का रूट 15 और एक आ गई टी की प्लस का रूट 15, ठीक है। अब ये दो आ गई अपने पास वैल्यू, अब अपन निकालते हैं इनका सम। तो देखिए सम क्या है, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 क्या हो गया, कट गया जीरो। अब फॉर्मूले से निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर से, जीरो है, तो ये कितना आ गया जीरो अपॉन वन, तो कितना हो गया जीरो, और ये वैल्यू कितनी आई थी जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15, तो ये 15 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 15, और साइन किसका लग जाएगा माइनस का, ये दोनों हो गए प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड सी देखिए क्या, सी कितना था अपना माइनस का 15, ठीक है, तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी माइनस 15, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 1, तो ये हो गया माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15, ये भी हो गया हैंस वेरी फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, जो कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6, जो कि 3x² - x - 4। देखिए अब इसके अंदर फैक्टर करते हैं किसके, 4 × -3 कितना होता है -12, -12 के टुकड़े करने की -1 बन जाए, तो -1 बन जाए तो अपन करते हैं 4 × 3 = 12, माइनस का 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, प्लस माइनस करेंगे तो -1 बन रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड फिर इसके करते हैं फैक्टर, तो ये बन गया 3x² - 4x + 3x - 4, इसके अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने इसमें से ले लेता हूँ x कॉमन, तो ये कितना बन गया 3x - 4, इसमें से एग्जैक्ट सेम बना हुआ है ब्रैकेट, तो इसमें से कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्लस वन कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 3x - 4, तो दो ब्रैकेट बन गए अपने पास, एक बन गया x प्लस वन और एक बन गया 3x - 4, ठीक है फ्रेंड। चलिए जब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वन को पुट करते हैं जीरो के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई -1, जब इसको पुट करते हैं जीरो के बराबर, तो देखिए क्या आता है 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई जीरोज की अपने पास। अब अपन आगे चलते हैं अपने प्रोसीजर पे, सम करते हैं सबसे पहले, तो -1 + 4/3, देखिए कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर इसका अपन एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ गया कितना 3, इसको 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो बन गया -3, यहाँ 3 बना हुआ है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया +4 और -3 हो गया +1/3, ठीक है। तो ये आ गया सम। अब अपन फॉर्मूले से निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी 1/3 और -b, अब इसके अंदर से -b क्या है, देखिए बी की वैल्यू कितनी है -1, तो इसमें रखते हैं, तो ये बन गया -(-1)/a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रखी 3, तो ये बन गया -1 मल्टीप्लाई बन गया प्लस,
तो ये बन गया 1/3, तो ये कितना हो गया 1/3, तो ये कितना आ गया 1/3 = 1/3। अब अपन निकालते हैं इसी में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में देखिए -1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4/3 से, कुछ भी नहीं है, 1 मान गया, सामने का सामने मल्टीप्लाई, तो बन गया -4/3। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, α(β) = c/a। अब α(β) की वैल्यू कितनी है अपनी, यहाँ से -4/3, और यहाँ से कितनी है, c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो -4 = -4 आ गया, तो ये दोनों वेरीफाइड हो गए रिलेशन, ये भी वेरीफाइड हो गया और ये भी वेरीफाइड हो गया। तो फ्रेंड सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर क्या कर रखा है अपन को, सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज बता रखी है, अपन को इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर से, कि इसके अंदर अपन को करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अपन को क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड का फर्स्ट, जो क्या कहता है कि सम तो है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। ठीक है, अब देखिए सम का फॉर्मूला कितना होता है, α+β, है ना, α+β की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 1/4। α+β की वैल्यू कितनी होती है -b/a, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 1/4। और प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, α(β), इसकी वैल्यू कितनी दे रही है अपन को -1, इसकी वैल्यू होती कितनी है वैसे, तो ये होती c/a = -1 दे रखा, कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते। अब देखिए आप बात समझिए, b की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल गई, c की वैल्यू यहाँ से मिल गई, पर a की दो वैल्यू मिल गई, a की यहाँ से आ रही है 4 और यहाँ से आ रही है 1, तो इसको बराबर बनाना पड़ेगा। इसको तो 1 बना नहीं सकते, पर इसको अपन 4 बना सकते हैं, कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे करेंगे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, तो देखिए वैल्यू क्या क्या आ गई है, -b/a की वैल्यू बन गई है 1/4 और c/a की वैल्यू बन गई है -4/4। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, एक बार मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है, ये साइन इधर चला गया तो ये बन गई -1, और c की वैल्यू है -4। अपनी इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ये अपनी बेसिक इक्वेशन होती है। इसके अंदर से अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो a की जगह 4 की, b की जगह -1 की, c की जगह -4 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये इक्वेशन बनेगी 4x² - 1x - 4, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आ गया है रूट का, जिसको देखते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि रूट तो हमसे सॉल्व होगा ही नहीं, और मजे की बात ये है कि सबसे आसान ही रूट होता है, जिससे वो डरने में दिखने में खतरनाक है, बस ये सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है। देखिए ये दे रखा है सम और ये दे रखा है प्रोडक्ट, अब कैसे सॉल्व करेंगे, α+β की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया। α+β होता क्या है अपना वैसे, -b/a = √2/1। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए निकाल देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, α(β) = c/a, α(β) की वैल्यू अपन को उसमें गिवन है 1/3, α(β) होता क्या है c/a, और वैल्यू कितनी गिवन है 1/3। अब वापस वही प्रॉब्लम, a को बराबर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो क्या करें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया, -b/a तो बन गया है 3√2/3 और c/a बन गया है 1/3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3, b की वैल्यू आ गई -3√2 और c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ax² + bx + c, इनकी वैल्यू पुट करी, तो a की जगह 3 पुट कर रहा हूँ तो ये बन गई 3x², b की जगह -3√2 पुट करी तो बन गया -3√2x,
सी की जगह वन पुट करा तो ये बन गया प्लस वन, ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट की वैल्यू है जीरो और रूट फाइव, मतलब ये है सम और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो। अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो, कुछ भी नहीं है, वन मान लो। ठीक है, प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, रूट फाइव। तो अल्फा इंटू बीटा की वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होता है, तो ये होता है सी अपॉन ए और ये दे रखा है रूट फाइव, कुछ भी नहीं है, वन मान लो। अब यहाँ देखो दोनों में ए की वैल्यू सेम है, तो अपन को कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। राइट वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई सामने वाली जीरो, प्लस माइनस में सेम ही होता है, जीरो ही होता है। और सी की वैल्यू कितनी आ गई रूट फाइव। इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर पुट कर दो तो ये बन गया वन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस रूट फाइव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, क्योंकि जीरो को लिखना इतना कोई जरूरी नहीं है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ पार्ट पे। इसके अंदर दे रहा है वन और वन, ये वन है सम, ये वन है प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई वन, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू दे रखी है वन, कुछ भी नहीं है, वन मान लो। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है सी अपॉन ए, तो ये हो गई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वन, तो ये हो गई सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई वन, कुछ भी नहीं है, वन मान लो। दोनों में ए की वैल्यू सेम है, तो अपन को इसमें भी बैलेंस नहीं करना, डायरेक्ट अपन को वैल्यूज मिल चुकी है। क्या मिली है, ए की वैल्यू मिली है वन, बी की वैल्यू मिली है माइनस वन और सी की वैल्यू मिली है वन। इक्वेशन क्या होती है अपनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। देखिए कोएफिशिएंट अगर वन होता है तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर नॉर्मल नंबर लिखना पड़ता है। बाकी जैसे बी की वैल्यू वन आई है तो वन नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, ए की वैल्यू वन है नहीं लिखी तो भी चलेगा, पर सी की वैल्यू वन है इसको आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो लिखना पड़ेगा पर कोएफिशिएंट के अंदर वन है तो अपन डायरेक्ट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, माइनस वन अपॉन फोर और वन अपॉन फोर, ये तो हो गया आपका सम, ये हो गया प्रोडक्ट। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस वन अपॉन फोर। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर। अब देखिए माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, वन अपॉन फोर, तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी रखी है, वन अपॉन फोर। इसमें भी देखिए ए दोनों में फोर है तो अपन को कुछ भी बैलेंस नहीं करना, ए की वैल्यू हो गई फोर, बी की वैल्यू हो गई वन, सी की वैल्यू हो गई वन। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या थी अपनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट करते हैं बन गई फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो देख लेते अपन, सिक्स्थ, फोर और वन। तो फोर हो गया इसके अंदर से सम, वन हो गया इसके अंदर से प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फोर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये बन गया फोर अपॉन वन, कुछ भी नहीं है इसलिए वन मान लो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है वन, तो ये हो गया सी अपॉन ए इक्वल्स टू वन, कुछ भी नहीं है, वन मान लो। दोनों में ए की वैल्यू वन वन है, इधर भी अपन को बैलेंस नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू हो गई वन, बी की हो गई माइनस फोर, फिर सी की हो गई वन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी अपनी, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जब पुट करा तो क्या बना, ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसकी आगे की एक्सरसाइज करते हैं और कुछ अच्छे फॉर्मूलेज देखेंगे। ओके, थैंक यू।